तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो फिर दो प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें केवल इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आप कह सकते हैं चार्ज पूछे तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? स्थिर विद्युत की। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की। इसको हम क्या बोलते हैं? गतिक विद्युत की। ठीक है, यह है स्थिर विद्युत की और यह क्या है आपकी? गतिक विद्युत की। तो यह स्थिर विद्युत की क्या है? ठीक है, जिस ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी, जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं, जिस ब्रांच में स्थिर चार्ज का अध्ययन करते हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक चार्ज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अध्ययन का मतलब क्या होता है? स्टडी करते हैं। ठीक है, जिस ब्रांच में स्थिर स्टैटिक चार्ज का अध्ययन करते हैं, ये क्या है? जिस ब्रांच में गतिक चार्ज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। ठीक है, गतिक का मतलब डायनामिक। तो कहां हम स्टैटिक चार्ज का अध्ययन करते हैं, कहां हम गतिक चार्ज का अध्ययन करते हैं? अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल है गतिक का वो है कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक दूसरा नाम इसका कंडेंसर भी है। और जहां हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का कहां अध्ययन करते हैं, उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं कि आपका ये कैपेसिटर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत क्यों आता है और क्या है इसके बारे की चीजें, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे। वैसे हम डिटेल स्टडी तो उसके करने ही वाले हैं, फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही चलेगा कि कैपेसिटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, समझ लिए होंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या। जहां पे चार्ज आपका स्टैटिक होता है, मूव नहीं करता है, जब स्टैटिक होता है तो क्या क्या प्रभाव दिखाता है, जब मूव करता है तो क्या क्या प्रभाव दिखाता है, इन सभी बातों में हम क्या करेंगे, आज विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब मूव करता है, तो जैसे अगर हम बात करें कि जो आपके घर में कंडक्टर्स हैं उसमें अगर लाइट नहीं है, लाइट का मतलब अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसमें ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन उसमें भी मूव करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट जो होता है, जिगजैग होता है, वो एट रैंडम मूव करते हैं और एटम से टकरा के अपने डायरेक्शन को लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मोशन की अगर उनकी हम बात करें तो जीरो होती है। इसलिए विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव न करने की वजह से कोई भी लाइट फैन बल्ब नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मतलब सप्लाई जैसे ही आती है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, एटम से टकराते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है टकरा करके खोते हैं, लॉस भी करते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब टकराएंगे तो कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे तार और भी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हीट हो जाती हैं दोस्तों। तो आप देखते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है मूव नहीं करता है, मूव करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना तो उसके वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करता है, जब नहीं होती तो जिगजैग मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीधे समझ सकते हैं, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल बहुत सारे दिक्कतें अगर आ रही हैं, अगर उससे टकरा करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो अपने जो आपका
टारगेट है वहां पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जब आपके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक प्रेशर होगा, जैसे कि जिम्मेदारी या कुछ ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझेंगे खुद को कि भाई हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तरह का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप टारगेट को जल्दी जल्दी अचीव कर पाएंगे। वही काम इलेक्ट्रॉन का होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन आपके लिए एक सीख भी है और अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं कंडेंसर के बारे में थोड़ा सा। हम यहाँ पे